नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं अर्पित आर्या। किसान आंदोलन पर बड़ी खबर इस वक्त सबसे पहले आप तक पहुंचा दें। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की मंजूरी नहीं दी है। हालांकि राहुल गांधी को 3 नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन जाने की इजाजत होगी। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी का कृषि सुधार कानून के विरोध में 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर सौंपने राष्ट्रपति भवन जाने का कार्यक्रम है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये इजाजत नहीं दी गई है। ये कहा गया है कि आपके साथ 3 नेता आप जा सकते हैं राष्ट्रपति भवन, और वहां जो आप हस्ताक्षर का अपना पेपर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। लेकिन यहां देखिए, राहुल गांधी और तमाम नेता कांग्रेस के मौजूद हैं। दरअसल इस बात का ऐलान किया था कि पैदल मार्च वो निकालेंगे राष्ट्रपति भवन तक, और वहां जाकर जो हस्ताक्षर किए हुए पत्र है उनके पास 2 करोड़ किसानों का, वो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो सीधी तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं। किसान आंदोलन पर यह बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की मंजूरी नहीं दी है। हालांकि राहुल गांधी को 3 नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन जाने की इजाजत होगी। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी कृषि सुधार कानून के विरोध में 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर सौंपने राष्ट्रपति भवन जाने का उनका यह कार्यक्रम है। और अभी पुलिस की तरफ से फिलहाल ये पैदल मार्च जो कांग्रेस की तरफ से निकाला जाना था उसको इजाजत नहीं मिली है। संदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप बोल। संदीप, देखिए, इजाजत तो पुलिस की तरफ से नहीं मिली, लेकिन ये कहा गया है कि 3 लोग और राहुल गांधी 3 लोगों के साथ जा सकते हैं, अपना पत्र जो भी उनको राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को देना है, तो क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? अर्पिता, देखिए, अभी फिलहाल जो गतिविधियां हैं वो यही है कि सिर्फ 3 लोग, राहुल गांधी के साथ 2 और कोई हैं जिनको की परमिशन दी गई है जाने की। इस वक्त हम लोग AICC के अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कारकेड है राहुल गांधी का, और थोड़ा सा निज़ाम हमारे कैमरा में उनको बताऊंगा। देखिए, ये जो दो बसें हैं पीछे, इन 2 बसों में बैठ के जो है सांसदों को जाना था, जो कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से तय किया गया था, लेकिन अब पुलिस की तरफ से जो है परमिशन नहीं दी गई है। सिर्फ 3 लोग जाएंगे और ये बसें जो है इनको लटा दी गई है। आप देख सकते हैं कि अंदर जो है सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं, और अभी तक मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की चीज़ें, किस तरीके की हलचल जो है कांग्रेस ऑफिस के अंदर इस वक्त मची हुई है। आप देखिए कि सारे जितने भी सांसद हैं वो सब जो है ये सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक लाइन से जो है ये सारे नेता जो है यहाँ बैठे हुए हैं। कोशिश यही की जा रही थी, क्योंकि अब ये इस बात को लेकर चर्चा हो रही है यहाँ पे कि आखिर 3 लोगों को जो बुलाया गया है, क्योंकि कांग्रेस जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ सभी सांसद जो है वहाँ पे जाने वाले थे, साथ ही पंजाब के कई नेता भी हैं, तो वो लोग सब मिलकर जो है जाने वाले थे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जो 2 बसें यहाँ पे लगी हुई थी उन बसों को जो है बाहर भेज दिया गया है। पुलिस ने जो है साफ कह दिया है कि सिर्फ 3 ही लोगों को जो है अलाउ किया जाएगा। और ये जो AICC के बीच का जो ग्राउंड, देखिए, ग्राउंड में जो है ये सारे नेता गोल चेयर करके सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए बैठे हुए हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद जो है गुलाम नबी आज़ाद के बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि जो कहा गया है सरकार की तरफ से जो पुलिस की तरफ से जो कहा गया है कि किसी भी तरीके से जो है उनको जाने नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि सारे छोटे छोटे बोर्ड्स बना लिए गए थे जिसमें कि स्लोगन्स लिखे हुए हैं। एक बड़ा सा जो है कि पोस्टर जो है वो इन्होंने तैयार किया है, और अभी फिलहाल अंदर चर्चा हो रही है कि आगे की क्या रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि सिर्फ 3 ही लोगों को जो है परमिशन दिया गया है कि 3 ही लोग सिर्फ राष्ट्रपति भवन जाएंगे ज्ञापन सौंपने के लिए। तो आप इस पूरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे AICC के हेडक्वार्टर के ग्राउंड में सारे वो सांसद जिनको कि जाना था प्रेसिडेंट हाउस, उन 2 करोड़ हस्ताक्षरों को लेकर जो कि इस कानून के विरोध में जो है किसानों ने अलग अलग जगह से जो है दस्तखत किए थे, अब कांग्रेस जो है उसको प्रेसिडेंट के पास लेके जा रही थी। 11:30 बजे का समय है कि वो वहाँ पर समय दिया गया है मिलने का, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है उससे लग नहीं रहा है कि 3 से ज़्यादा लोग जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा और आगे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा साफ नज़र ज़रूर आएगा कि देख सकते हैं ये सब जो हैं उन्हीं बसों में बैठ के जाना चाहते थे, जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने जो है बसें बाहर कर दी हैं, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। खुद राहुल गांधी, देखिए, आप वहाँ आप देख सकते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद के बिल्कुल बगल में बैठे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, और लगातार जो है चर्चा की जा रही है कि आखिर
आखिर किस तरीके से, किसी भी तरीके से जो है, जो अभी पुलिस प्रशासन का जिस तरीके का कहना है, जिस तरीके का रवैया है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर तीन लोग जिनको परमिशन मिला है राहुल गांधी के साथ, दो लोग और हैं कि कौन जाएंगे, क्या ये सब जाएंगे या नहीं जाएंगे या अपना विरोध दिखाएंगे, तो ये अब देखना होगा। हो सकता है कि थोड़ी देर में जो है बातचीत भी हो, खुद जो है कोई नेता आके, हो सकता है कि राहुल गांधी खुद आके जो है इस जो परमिशन डिनाई की गई है पुलिस की तरफ से राष्ट्रपति भवन जाने के लिए, हो सकता है बातचीत भी करें। तो फिलहाल अभी ये चर्चा आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में लगातार जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि जितना भी इनका जो कांग्रेस का जो प्लान था कि विजय चौक से जो है वो पैदल मार्च करते हुए प्रेसिडेंट हाउस तक जाएंगे और वो ज्ञापन सौंपेंगे, 2 करोड़ दस्तखत वाले जो कागज़ हैं वो सौंपेंगे, तो अब वो कहीं ना कहीं होता नज़र नहीं आ रहा है। और अभी आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से बातचीत जारी है, कोशिश यही की जा रही है कि अब आगे की रणनीति जो है कांग्रेस आप देख सकते हैं कि फिलहाल बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन संदीप इस बीच जरा वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए, क्योंकि पुलिस ने भी इंतजाम किया होगा, कई जगहों पर हम देख रहे हैं बैरिकेडिंग लगा दी गई है, अगर ये लोग नहीं मानते तो पुलिस का इंतजाम क्या किया गया है वहां पर, जरा वो भी दिखाइए। तो देखिए अभी सुरक्षा के लिहाज से जो है इस पूरी रोड को जो है ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि इस वक्त हम लोग AICC के ऑफिस के अंदर हैं और अब मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि थोड़ा सा दिखाएं इस पूरे हालात को कि किस तरीके से। फिलहाल ये देखिए आप पूरा AICC के अंदर का नज़ारा है, ये यहाँ पर ये राहुल गांधी की गाड़ी है जिसको कि अभी यहाँ पर तैयार किया गया। राहुल गांधी हालाँकि वहाँ पर बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, जो अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है, पुलिस के अधिकारी अफसर जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा अपने कैमरा पर्सन निज़ाम को बोलूंगा कि वो थोड़ा सा बाहर आके दिखाए, आप देख सकते हैं कि कोई भी शख्स जो है यहाँ से नहीं आ सकता। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, राहुल गांधी के साथ तमाम नेता यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं और विचार इस बात पर हो रहा है कि आगे क्या रणनीति कांग्रेस की होनी है, क्योंकि कांग्रेस तो यहाँ पर पैदल मार्च निकालना चाह रही थी, पूरे प्रबंध कांग्रेस की तरफ से कर लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस की तरफ से इजाजत उन्हें नहीं मिली। हालांकि पुलिस की तरफ से ये जरूर कहा गया कि अगर आप राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, राष्ट्रपति भवन जाना चाहते हैं, तो राहुल गांधी के साथ 2 और नेता यानी टोटल कुल 3 नेताओं को इस बात की परमिशन मिली है कि वो जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अगर मार्च निकालना चाह रहे हैं या बसों में भरकर जाना चाह रहे हैं तो उसकी परमिशन फिलहाल पुलिस की तरफ से नहीं दी गई। और इसी के बाद देखिए अब मंथन हो रहा है, बड़े बड़े नेता यहां पर कांग्रेस के मौजूद हैं, अब तय करना है कांग्रेस को कि आखिरकार क्या जो पुलिस कह रही है कि 3 लोग चले जाइए, क्या कांग्रेस उससे सहमत रहती है या आगे बढ़ने की ये नेता कोशिश करते हैं, यही मंथन यहां पर हो रहा है। संदीप हमारे साथ है, संदीप जरा बताइए कि कौन कौन से बड़े नेता यहां पर मौजूद है और क्या प्रियंका गांधी भी पहुंची है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी भी यहाँ पे हैं, राहुल गांधी भी यहाँ पे हैं और तमाम वो बड़े नेता, सांसद, जितने भी सांसद हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अर्पिता, थोड़ा सा पहले मैं दिखा दूंगा कि क्या बंदोबस्त फिलहाल क्या किए गए हैं। ये सामने दो ये बसें हैं, इन बसों में बैठ के इनको जाना था, जो कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से था। ये 2 बसें जो आप सामने देख सकती हैं यहाँ पर, और सामने जो है कार्यकर्ता फिलहाल खड़े हैं। पहले बैरिकेडिंग नहीं थी लेकिन बैरिकेडिंग की गई है इस ये रोड, चूँकि बहुत व्यस्त रास्ता है ये अकबर रोड जो है, बहुत गाड़ियाँ जाती हैं, तो ऐसे में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो तो इस पूरे रूट को ही बंद कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं सुरक्षा के इंतजाम कैसे, ये जो बसें हैं ये गेट पे लगी हुई थी। दूसरा ये कि मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो ट्रक आप देख सकते हैं, इस ट्रक में वो 2 करोड़ हस्ताक्षर किए हुए कागज हैं जो कि प्रेसिडेंट हाउस इनको ले जाना है, तो अब इनको जो है यहां से ले जाया जाएगा थोड़ी देर में। हालांकि अभी 3 लोगों को ही जाने की इजाजत मिली है, आप देख सकते हैं कि ये पूरा बैनर लगा के जो है तैयार है। और थोड़ा सा मैं आपके अंदर एक बार फिर से मैं ले जाना चाहूंगा, अपने दर्शकों को आएंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे तैयारी की गई है। मंथन अभी फिलहाल किया जा रहा है क्योंकि इनको शायद ये साफ हो गया है कि अब प्रशासन जो है सिर्फ 3 ही लोगों को उन्होंने मंजूरी दी है, उसके बाद अभी तक किसी को मंजूरी नहीं दी है। अभी भी जो है मंथन यहाँ पे जारी है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि किस तरीके से अभी जो है स्पीच जो है वो चल रही है, बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके की चीज़ें फिलहाल हो रही है। लेकिन कोशिशें यही है कि कांग्रेस अब अगली रणनीति तय कर रही है कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल वही समय है। इस टाइम 10:30 बजे तक का असेंबलिंग टाइम जो है विजय चौक पे किया गया था कि वहाँ से फिर आगे मूव करेंगे, 11:30 बजे के आसपास का समय था राष्ट्रपति से मिलने का। तो ऐसे में अब जब नहीं जाने दिया जा रहा तो ये एक आखिरी रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है कि आखिर
क्या आगे कांग्रेस का कदम रहेगा, क्या उनको करना चाहिए। अब एक लाइन से देख सकते हैं तमाम बड़े नेता जो है वो इस वक्त मौजूद है। सभी सांसद जरा ये बताइए कि किस तरीके की तैयारी यहाँ पर कांग्रेस की थी, क्योंकि पैदल मार्च निकालना था, बसों का इंतजाम भी वहां पर कांग्रेस की तरफ से किया गया था, क्या प्लानिंग मतलब क्या करना चाह रहे थे कांग्रेस पैदल मार्च के अलावा, क्या बहुत सारे सांसद बसों में भी राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले थे? देखिए, सबसे पहले टाइम दिया गया था कि आप जो है यहाँ पे पहुँचेंगे AICC में, उसके बाद यहाँ से सब लोग बस में बैठ के जाएंगे विजय चौक, और विजय चौक जाने के बाद जो है वहाँ से पैदल मार्च उनको राष्ट्रपति भवन तक करना था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे प्ले कार्ड्स बनाए गए थे किसान विरोधी बिल के को लेकर, किसान अत्याचार को लेकर जो है बड़े बड़े बैनर्स बनाए गए, दो ट्रक जिनमें की वो रखी हुई है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद उन सभी सांसदों को संबोधित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जो कार्रवाई सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। सीधे तौर पर इनका यही कहना था कि हम शांतिपूर्वक तरीके से मार्च करते हुए जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि पेंडेमिक सिचुएशन है, ऐसे में और धारा 144 भी लगाई गई है इस पूरे इलाके में, तो ऐसे में अब इनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि क्या उनकी आगे रणनीति होगी। गुलाम नबी आज़ाद सीनियर लीडर है, सांसद है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सबको जो है वो इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं और अगली जो रणनीति है कांग्रेस की क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक पुलिस प्रशासन ने सिर्फ 3 लोगों को ही परमिशन दिया है, और अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश अगर की जाती है यहाँ से या जाने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि टकराव आगे बढ़ सकता है। तो यही वजह है कि अभी फिलहाल 3 ही लोगों को परमिशन दिया गया। और अभी देखिए आप सामने बैठे हुए राहुल गांधी गुलाम नबी आज़ाद के बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं, और जिस तरीके का एक राउंड इन्होंने बनाया हुआ है उसमें देखिए प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखा गया है, और ये AICC का ग्राउंड है, यहाँ पे जो है ये सारे के सारे नेता इस वक्त बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। 11:30 बजे का समय जो है बताया जा रहा है, तो अब महज 40 मिनट का समय बचा है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या बिल्कुल यानी संदीप बड़ी खबर जो आप दे रहे हैं, बड़ी खबर ये कि राहुल गांधी के साथ तमाम कांग्रेस के नेता विजय चौक से राजभवन जाने की तैयारी में थे, कृषि सुधार कानून के विरोध में दरअसल वो ये पैदल मार्च निकालना चाह रहे थे वहां से, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद अभी तमाम नेता जो हैं कांग्रेस के वो इस रणनीति बनाने में जुटे हैं कि आगे क्या करना है। फिलहाल देखिए तस्वीरें, गुलाम नबी आजाद कुछ कह रहे हैं, संदीप क्या कह रहे हैं वो? देखिए अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, स्थितियां बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है इस बिल को लेकर, इन 3 बिल को लेकर, क्योंकि ये आंदोलन जो है ये किसानों का आंदोलन है, किसानों ने इसको शुरू किया है, तो शुरू से ही जो है कांग्रेस ये चाहती है कि किसानों का ही रहे। लेकिन एक सांकेतिक तौर पर जो है सपोर्ट जो है कांग्रेस को शुरू से ही, जब से आंदोलन शुरू तब से दे रहे हैं, और अब जो है कोशिश वो कर रहे हैं, समझाने की सोच रहे हैं। फिलहाल आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा नहीं आ रही राहुल की क्या कह रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे अगर थोड़ी सी आवाज़ जो है गुलाम नबी आज़ाद की सुनाई दे सके। ओके, तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है किसानों की जो समस्या है, जो किसान जो इस वक्त ठंड में बॉर्डर पे सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं, उनके बारे में जो है गुलाम नबी आज़ाद जो है इस वक्त यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। आखिर क्या वजह हुई, क्यों इतनी तादाद में जो है लोग बैठे हैं, क्यों सरकार बातचीत नहीं करना चाह रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी फ़िलहाल जो है वो संबोधित कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद। एक कह सकते हैं कि रणनीति, एक लाइन जो है कांग्रेस की इस आंदोलन को लेकर, क्योंकि आपको याद होगा कि लगातार जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से जो है कांग्रेस की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है, किसान जो है वो है। अपनी मांगों को लेकर ये 3 कृषि बिल केंद्र सरकार की तरफ पास किया गया है, इसके अगेंस्ट खड़े हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस अब रणनीति बना रही है कि आगे क्या करना है, क्योंकि अभी कांग्रेस दफ्तर में ही ये जो नेता हैं वो बैठे हुए हैं। प्लानिंग ये थी कि पहले विजय चौक जाएंगे और वहां से पैदल मार्च निकलेगा राजभवन के लिए, लेकिन फिलहाल विजय चौक में क्या इंतजाम किया गया है, रवि हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, फिलहाल तो ये लोग अभी कांग्रेस दफ्तर में ही है,
लेकिन तैयारी तो इनकी थी कि विजय चौक पहुंचेंगे और उसके बाद राजभवन पहुंचेंगे। इस बीच जरा ये तीन तस्वीरें देख लीजिए, मार्च की पूरी तैयारी कांग्रेस की तरफ से कर ली गई थी। वहीं अभी देखिए मीटिंग चल रही है, गुलाम नबी आजाद जो हैं वो संबोधित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किसानों की समस्याओं को लेकर ही कांग्रेस आगे बढ़ रही है। वहीं देखिए पुलिस की बैरिकेडिंग वहां पर कर दी गई है कि अगर कोई टकराव की स्थिति बनती है तो पुलिस उससे तैयार रहे, क्योंकि ये परमिशन इनको नहीं दिया गया कि ये यहां से निकले और पैदल मार्च करे कोरोना को देखते हुए। उसके साथ साथ ये परमिशन जरूर दे दी गई है कि तीन लोग, राहुल गांधी समेत दो नेता और हो सकते हैं जो राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं, राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, लेकिन ये तमाम नेता एक साथ नहीं जा सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो कि किसान के मुद्दे पर पैदल मार्च निकालना चाह रही थी, वहां फिलहाल अभी इसकी परमिशन नहीं मिली है। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि विजय चौक में मौजूद है। रवि जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या इंतजाम किए गए पुलिस की तरफ से? देखिए एक बार सबसे पहले तस्वीरें यहाँ कि विजय चौक पर ये स्थिति ये है कि यहाँ के बाद पुलिस किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं दे रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये था कि कांग्रेस दफ्तर यानी कि AICC दफ्तर से वो यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो विजय चौक पर आएंगे और विजय चौक से के बाद वो मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगे, लेकिन सिर्फ तीन लोगों को, तीन सीनियर नेताओं को ही परमिशन आगे जाने की दी गई है। तो फिलहाल स्थिति यह है कि ट्रैफिक का मूवमेंट भी अभी थोड़ी देर पहले रोक दिया गया था। यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस बल बड़ी तादाद में मौजूद है। आप देखिए कि तस्वीरें एक बार दिखाएं कि किस तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है विजय चौक के आसपास के इलाके को, और पुलिस भी मीडिया को भी आगे जाने की अनुमति नहीं दे रही है कि जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। एक हालांकि अभी ट्रैफिक का मूवमेंट चल रहा है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के और भी ज्यादा नेता यहां पर आते हैं तो उनको आगे जाने की, प्रणव हमारे साथ में, प्रणव जी से बात करते हैं जो कांग्रेस के नेता। प्रणव जी बताइए कि क्या आप लोग चाहते थे कि तमाम जो कांग्रेस के नेता वो जाएं आगे? जी नहीं, हम ये चाहते थे कि जो कोरोना प्रोटोकॉल हो उसका पालन हो, और उसका पालन होते हुए जो तीन लोगों को जो है अनुमति दी गई थी वो तीन लोग अंदर चले जाते, बाकी जो है 50 के करीब लोग थे वो जैसे यहाँ इकट्ठे हैं, हम यहाँ से वहाँ तक मार्च करके जाते, मतलब थोड़ी दूर तक मार्च करने की। बिल्कुल, आप तो जानते हैं यहाँ पे बैरिकेड किया हुआ उन्होंने, और ये पहली दफा नहीं है। अभी 15-20 दिन पहले भी जो एक प्रतिनिधिमंडल गया है विपक्षी दलों का, उसके पहले भी होता रहा है, लगभग एक साल होने को। क्या दिक्कत आ रही है? अभी दिक्कत तो ये सरकार को बताना चाहिए कि इतनी क्यों घबरा गई है वो, कि उन्होंने क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे तमाम लोगों को आने के लिए बताया गया कि वहां से निकलने ही नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। मुख्यालय के बाहर जो है 144 घोषित कर दिया गया और ये कहा गया कि आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा। महज 2 किलोमीटर की दूरी है वहां से, यहाँ आ जाते लोग 50 लोग 60 लोग 70 लोग, इतने ही लोग होते, और यहाँ से जो है वो 2-4 फरलांग है यहाँ से पैदल चले जाते, और उसके बाद जो है बाकी लोग जिनको अनुमति थी वो अंदर चले जाते। जो तस्वीर, ये तमाम जो लोग खड़े हैं, जरा तस्वीर देखिए, जो व्हाइट कपड़ों में, क्या ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है? ये जो है ये सेवा दल के कार्यकर्ता है। ये जब हम कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो ये अनुशासन बनाने के लिए। अच्छा। और लोगों की डायरेक्ट यहाँ पे आने की उनको अनुमति दी गई, लेकिन जो कांग्रेस दफ्तर पे वो नहीं आने दिया। हाँ, चूंकि वहाँ पे जो हस्ताक्षर थे किसानों के 2 करोड़ वो वहीं इकट्ठा थे, तो नेताओं से भी कहा गया था, वरिष्ठ नेताओं से, CWC मेंबर से, MP से कहा गया था कि आप वहीं, कुछ लोग वहां आ जाए, तो वहीं पे रोक लिया गया। 2 करोड़ जो 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर किए गए हैं, कितने राज्यों में है और कितने दिनों में कराया गया? ये पूरे देश से है, और इसके बाबत हमने जो है घोषणा की थी जब ये कानून पारित हुआ था, उसके बाद हमने कहा था, इनफैक्ट प्रेस रिलीज करके ये बताया था कि कांग्रेस जो है पूरे देश में अभियान चलाएगी, और विभिन्न चरणों में आपने देखा यह अभियान चला, और अभियान में हमने कहा था कि हम पूरे किसान से, पूरे देश के किसानों से हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे। अच्छा, ट्रक अभी वहीं भी पड़े हुए हैं? और ट्रक भी वहीं पे खड़ा है, ले जाके वहां पे रखने की योजना थी देने की। जी, हस्ताक्षर जो है वो राष्ट्रपति महोदय को सौंपने की योजना। ठीक है, तो देखिये दो ट्रकों में भरकर, ठीक है रवि, रहिए जरा साथ, जल्दी से संदीप का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त मौजूद है और वहीं पर देखिए रणनीति बन रही है कि कांग्रेस के नेता आगे क्या करने वाले हैं। संदीप, कुछ स्पष्ट हो पाया क्या? कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है कि यहीं से, कांग्रेस दफ्तर से ही तीन लोग जाएंगे सिर्फ राष्ट्रपति से मिलने?
देखिए अभी ये नहीं पता कि तीन वो राहुल गांधी के साथ दो लोग कौन हैं, लेकिन अभी आप अर्पिता मैं दिखाना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले गुलाम नबी आज़ाद संबोधित कर रहे थे, अब अधीर रंजन चौधरी जो है वो संबोधित कर रहे हैं, अपना अपनी बातें जो है रख रहे हैं सभी सांसदों के सामने। मैं कैमरामैन निज़ाम को कहूँगा कि दिखाएं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हालांकि वो उस सर्कल में नहीं है, राहुल गांधी के बिल्कुल करीब नहीं है, दूर बैठी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रियंका गांधी यहाँ पे मौजूद हैं और सुन रही हैं कि जो उनके जो लीडर हैं सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं, और बाकायदा आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो जो सांसद आए हैं उनके दस्तखत भी हो रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं कि एक अटेंडेंस भी यहाँ पे चल रही है। प्रियंका गांधी को आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं बैठी हैं, सुन रही हैं कि अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। लेकिन अभी तक अर्पिता ये साफ नहीं हो पाया है कि राहुल गांधी के साथ दो शख्स और कौन है जो कि जाएंगे। जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि राहुल गांधी के साथ जाने वालों में अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आज़ाद हो सकते हैं, और उसके बाद अब ये तय करना है कि क्या ये जो पाबंदी लगाई गई है कांग्रेस के ऊपर मार्च को लेकर, क्या ये कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को मांगती है, क्योंकि उन्होंने जो प्लान तैयार किया था उसके मुताबिक ये था कि जितने भी लीडर्स हैं जितने भी सांसद हैं पहले वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, यहाँ पे बातचीत करके उसके बाद, चूँकि 11:30 बजे का समय मिलने का है, तो ऐसे में यहाँ से सब इकट्ठा होकर बाकायदा बड़े जुलूस के तौर पर जो है इसको आगे लेके जाया जाता। दो बसें पूरी भर के जाती इन सभी सांसदों से, और उसके साथ के पीछे पीछे वो दो ट्रक भी जाते हैं जो कि जिनमें कि वो 2 करोड़ हस्ताक्षर जो हैं वो भरे हुए हैं, और उसके बाद विजय चौक जाके सारे नेता एक साथ मिलते, सारे सांसद एक साथ मिलते, उसके बाद मूवमेंट करते। लेकिन इस वक्त जो है सब मूवमेंट चौक कर दिया गया है, बाहर जो है रास्ता बंद कर दिया गया है, नॉर्मल जो ट्रैफिक है उसको भी रोक दिया गया है, और आप अभी देख सकते हैं कि ये जो रणनीति सिर्फ तैयार हो रही है, ये सारे जो सांसद है वो अब एक दूसरे को अपने साथियों को बता रहे हैं कि सरकार का जो ये 3 बिल है उसके अगेंस्ट जो है भारत के जो इनके जो सांसद है कांग्रेस के सांसद हैं। ठीक है संदीप, मैं आपको रोक रही हूं। देखिए वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेष नारायण जी, देखिए कांग्रेस की रणनीति थी कि विजय चौक से वो राजभवन के लिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें परमिशन नहीं मिली है। आप कांग्रेस आगे की रणनीति बना रही है, इस रणनीति के पीछे आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके से कांग्रेस क्या फिर से एक मुद्दा पकड़कर इससे भुनाने की कोशिश में है? कुछ नहीं भुना सकते, डेस्परेट मूड्स हैं। आज जो है उन लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि हम किसी नेता वेता को नहीं आने देंगे अपने मंच पे, किसान लोग जिनके आंदोलन के लिए ये वो ट्रक लेके जा रहे हैं, तो क्या जरूरत है, जब आप हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी तो तुम हमारे लिए काहे लाठी बांध रहे हो, और आंदोलन को जो भी उनका आंदोलन होगा तो ये इनके डेस्परेट मूव्स हैं। सरकार के खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसके साथ जाके खड़े हो जाएंगे। क्या ये जो बिल है, इस बिल को मैं जानता हूं कि कांग्रेस पिछले 30 साल से इसको लाने की कोशिश कर रही है कि भैया इस तरह का बिल आ जाए, उसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन अब आप उसके खिलाफ लाठी बांधने लगेंगे तो ये रेलवे स्ट्राइक नहीं 1974 की अपोजिशन उसके साथ इकट्ठा हो गया था, ये कांग्रेस के डेस्परेट मूव्स हैं। और ये राहुल गांधी चूंकि उनको ग्राउंड रियलिटी मालूम नहीं है, और गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी मेरे बाय डिफॉल्ट जो लीडर हैं, तो ये केवल कांग्रेस को खत्म करने के ये सब जो लगातार प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी 2013 से उसी में कड़ी है, इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, इससे निश्चित रूप से नुकसान है। तो कुल मिलाकर फिलहाल अभी जो स्थिति है वो ये कि मीटिंग चल रही है कांग्रेस नेताओं के ही बीच, प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद है, गुलाम नबी आजाद अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े नेता कांग्रेस के वहां पर मौजूद हैं, और अभी इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या जो परमिशन 3 लोगों को मिली है क्या उसी के लिए वो तैयार हैं।